इस मॉड्यूल में हम फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस की क्लास सेस्टोडिया यानी टेप वर्म के बारे में डिस्कस करेंगे क्लास सेस्टोडिया और इसका जो इम्पोर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है वो है टेप वर्म। अब टेप वर्म जो है मोस्टली स्पेशलाइज्ड क्लास है इसके अंदर यूजुअली कॉमनली इसको हम टेप वर्म या सेस्टोड्स भी कह देते ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में इसकी अप्रॉक्सीमेटली 3500 स्पीशीज़ जो हैं वो मौजूद हैं अब फ्लूक्स जो थे वो एक्टोपैरासाइट्स थे ये जो टेप वर्म है नॉर्मली इट इज़ एंडोपैरासाइट एंडोपैरासाइट मीन्स इट लिव्स इन साइड द बॉडी ऑफ द होस या हम ये भी कह सकते हैं कि वर्टिब्रेट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो है ये मौजूद रहेगा और इनका कलर जो है इसके वाइट से लेके डिफरेंट येलो ग्रे के डिफ़रेंट शेड्स जो हैं इसकी बॉडी के अंदर हमें नज़र आते रहते हैं और अडल्ट जो टेप फॉर्म है इसका साइज़ इसका साइज़ वन मिलीमीटर से लेके पच्चीस मीटर तक जो है वो इन लेंथ वेरी करता है अब ये कोई भी पैरासाइट है तो उसके अंदर अडेप्टशन होती हैं ताकि वो होस्ट की बॉडी के अंदर जब एंटर हो तो अपने आप को फुली जो है अडेप्ट कर सके अब इसके अंदर टू इम्पॉर्टेंट अडेप्टेशन हैं वो कौन सी हैं नंबर एक के टेपॉर्म जो है इसकी बॉडी के अंदर माउथ नहीं है और इसके अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो पूरे का पूरा लाइफ स्टेजेस के अंदर स्प्रेड है और डाइजेस्टिव uh, ट्रैक्ट जो है वो क्या करेगा न्यूट्रेंट्स को होश की बॉडी से एब्जॉर्ब करेगा डायरेक्टली अक्रॉस द बॉडी वॉल क्योंकि इसके अंदर माउथ नहीं है दूसरा इसके अंदर देर इज़ अ लॉन्ग सीरीज ऑफ टेपरिंग यूनिट्स इनसाइड द बॉडी ऑफ टेप बम उन यूनिट्स को हम क्या कहेंगे प्रोग्लोटिड्स अब हर प्रोग्लोटिड जो है उसके अंदर कंप्लीट सेट है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का और जैसा कि ज़्यादातर एंडो पैरासाइट्स के साथ ये बॉडी के जब अंदर रहेंगे एंडो पैरासाइट्स तो देर इज़ अ क्वाइट स्टेबल इन्वायरमेंट वेयर नॉर्मली दे रिसाइड यहाँ पर आप देखें प्लेटी हेलमेथिस सेस्टोडा टैप वाम की जनरल एनाटमी इसकी जनरल एनाटमी में अब चूँकि मैंने आपको बताया कि जो भी पैरासाइड्स होंगे इनकी बॉडी के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो कि वेल डेवलप्ड होते हैं उन स्ट्रक्चर्स में आप देखें बॉडी शक्कर हुक्स हुक्स के थ्रू ये होस की बॉडी के साथ अटैच होगा और शक्कर जो हैं ये भी उसको हेल्प करते हैं होस्ट का फ्लूड्स सक करने को इसके अलावा यहाँ पे नेक है नेक के साथ जो हैं वो हैं प्रोग्लॉटिड्स प्रोग्लॉटिड्स आपको बताया कि ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें हर प्रोग्लॉटिड के अंदर एक कंप्लीट रिप्रोडक्टिव यूनिट मौजूद है अब ये इमेच्योर प्रोग्लॉटिड हैं यहाँ पे ये प्रोग्लॉटिड्स मेच्योर हो गए और अगर एक प्रोगलॉटिड का हम क्रॉस सेक्शन देखें तो यहाँ पे आपको देखें एक कंप्लीट यूनिट के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हैं दे आर क्वाइट वेल डेवलप्ड डायोशियस आपको मैंने बताया था इसमें आप ये देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओवरी ओवरीज़ आर प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ एग्स और एग्स जो हैं दे और दे आर कैरीड आउट बाय द डक्ट्स जो ग्लैंड मौजूद हैं योग ग्लैंड जो हैं डेवलपिंग एग्स को नोरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे अब मेल सिस्टम में इसमें आप देखें टेस्टिस क्योंकि ये डायोशियस है टेस्टिस ओवरिस दे आर प्रेजेंट इन अ सिंगल प्रोग्लॉटेड। फिर इसके अंदर जो है स्पर्म डक्ट्स प्रेजेंट है यूट्रस प्रेजेंट है तो दो सिस्टम्स जो हैं अडेप्टेस के लिए हुक्स सकर्स डाइजेस्टिव सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम They are quite well developed in cestode tapeworm.